अभियुक्त हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर आज की जो घटना है सर, पुलिस इसे कितनी बड़ी सफलता मान रही है सर? ये आए दिन जो है कि आपको ब्रह्मपुर कृष्णा ब्रह्म डुबरावा में चोरी वोरी की घटनाएं हो रही थी, इस पर स्वाभाविक रूप से जो है कि ये जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उस पर रोकथाम उस पर लगेगा। और इन छह अभियुक्तों के द्वारा कन्फेशन में बताया गया है कि कृष्णापुरम के इलाके में, डुबरावों के इलाके में, ब्रह्मपुर के इलाके में, पूर्व में जो है कि इनके द्वारा चोरी की गई है, खास करके जो स्वर्ण व्यवसायियों के दुकानों में। उससे कुछ भेजन भी हुआ है, कुछ सामान की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इनके द्वारा जो चोरी का सामान है कि बरामद किया जाए। कुछ हम लोगों ने बरामद भी किया भी, तो निस्संदेह जो है कि इसमें जो चोरी की घटना है उसमें रोकथाम है। छह अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और एक है आपका जो लूट का केस है उसमें एक गिरफ्तारी हुई, उसमें भी अन्य दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस गिरोह के पास पुलिस को क्या बरामद हुआ है? दो हथियार बरामद हुआ है, लूट का कुछ सामान बरामद हुआ है, और जो डकैती या चोरी करने में जो अन्य चीज़ें लगती हैं उन सारी चीज़ों को बरामद किया गया है। विशेषकर जो है कि आपको आपका अब लाल मिर्च का 8 पैकेट मिला है, 2 चाकू मिला है, 1 पंच मिला है, 4 सर्जिकल ब्लेड मिला है और भी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो लाल मिर्च इस तरह का सर इस्तेमाल ये लोग अब मैंने प्रिकॉशन में लेते हैं कि हो सकता है कि गृहस्वामी कहीं जग जाए तो उसके जो है कि आँख में झोंक दें और उसमें निकल भागें, या पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाएँ तो इसका इस्तेमाल कर लें। पूरी तैयारी के साथ ये ग्रुप जो है कि इधर से सर्जिकल ग्लव्स भी था आपका, हाँ सर्जिकल ग्लव्स भी है, क्रैक बैंडेज भी है, मैंने पूरी तैयारी के साथ ये जाते थे। ये ग्रुप के और सदस्य हैं क्या सर? हैं, उनका जो है कि चूँकि अभी अनुसंधान है, अभी प्रारंभिक इस अवस्था में है, इसलिए अभी हम विशेष हम लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब तक जो है कि इनमें जो पकड़े गए हैं वो 6 पकड़े गए हैं, बाकी की गिरफ्तारी के लिए हम जैसे कि बताया हम लोग धनोज कुमार नाम है, राजेश हैं, भोला कुमार हैं, शुभम कुमार हैं, राहुल पासी हैं, मुबारक अंसारी हैं, सभी के सभी जो है कि डुमरा वनमंडल के ही रहने वाले हैं। ऐसा मामला बहुत कम देखने को मिलता है, जब मिर्च तक लेकर रखा है ये लोग, यहाँ तक कि ग्लव भी लेकर रखा है लोग। सर बिहार में बहुत ही कम ऐसी आपराधिक घटनाएं होती है जहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जो चोरी और डकैती के लिए जाते हैं तो अपना कुछ अपने तैयारी में गए होंगे, अन्य घटनाओं में भी जो है कि लाल मिर्च का पाउडर तो सामान्यतः जो कि लोग लेके जाते हैं, ग्लव्स व्लव्स भी जो कि वहाँ पर, चूँकि बता नहीं पाएंगे क्योंकि अनुसंधान के विषय है कि ग्लव्स क्यों लेके जा रहे थे, सर्जिकल जो है कि ब्लेड क्यों लेके जा रहे थे, ठीक है, तो जी वो अनुसंधान का पार्ट है, तो इसीलिए हम लोग ने बताया। ये डुमरा में पकड़े गए हैं सर, तो काफ़ी वहाँ, हाँ इनके बारे में ये सूचना थी कि भाई जो हमारे टीम है इनके भी सदस्य ऐसा था कि इन पर पहले से जो है कि इनकी जानकारी एकत्रित कर रहे थे कि वो जितना इनका इनकम है उस इनकम से ज़्यादा जो है कि इनका जो है कि जीवन शैली था उससे ज़्यादा का जीवन शैली था, हमेशा जो है कि गाड़ी का बदलना और हर जो महीने पार्टी करना, तो उसी कारण से जो है कि इन पे जो ये लगे थे कुछ सूचनाएँ एकत्रित कर रहे थे, तो उसी में इन लोगों को मालूम चला कि ये गलत एक्टिविटी में सम्मिलित हैं, उसी अनुसार तो ये कार्रवाई की गई। इनके परिजनों को ध्यान इस तरह करें, अब परिजन को भाई अब ध्यान देना चाहिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से उनके दोस्त हैं, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, कौन से गाड़ी यूज कर रहे हैं, हर 2 महीने में गाड़ी चेंज कर दे रहे हैं, हर सप्ताह में पार्टी कर रहे हैं, तो इस पर गार्जियन को ध्यान देनी चाहिए। जिले में हमेशा जो है कि भाई संदेश ये रहेगा कि अपने बच्चों पे जो है नज़र रखें कि बच्चे के दोस्त कौन है, बच्चे से मिलने जुलने वाले कौन है, बच्चे जो है कि अगर शाम में निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कौन उनके मोबाइल के हैं, तो इन सारी चीज़ों पे जो है कि गार्जियन को विशेष ध्यान देनी चाहिए।